हेलो, गुड आफ्टरनून। टुडे आज मैं बात करूंगी आपसे एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में। आइए जानें एडोलेसेंट हेल्थ क्या होता है। एडोलेसेंट मतलब जब 13 से 19 साल की उम्र यानी 13 टू 19 इयर्स की एज, जिसे हम टीन एज ग्रुप कहते हैं, वो एज को हम एडोलेसेंस कहते हैं। यानी चाइल्डहुड में से अडल्टहुड में जाने के बीच का जो समय होता है उसको हम एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। यह युवावस्था बहुत ही नाजुक होती है और इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ और बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इस वक्त उन युवाओं को ठीक से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्त्री में एक यूट्रस, दो ट्यूब्स और दो ओवरीज होते हैं। ये ओवरीज यानी अंडाशय में से अंडे बाहर निकलते हैं। सेक्सुअल ग्रोथ हो रही होती है, जिसे हम थैलार्के यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट कहते हैं, प्यूबार्के यानी प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, एड्रेनार्के यानी एड्रेनल हेयर डेवलपमेंट कहते हैं। हर एक स्त्री और पुरुष में यह जो हम चेंजेस देख रहे हैं वह इस प्रकार इस पिक्चर में दिख रहे हैं। ऑल्सो पीरियड्स चालू हो जाते हैं, जिसे हम महावारी कहते हैं। महावारी आने के बाद महावारी को किस तरह से हैंडल करना चाहिए यह समझना बहुत ज़रूरी है। महावारी मतलब गर्भाशय के अंदर का जो अस्तर होता है, जब वो योनि मार्ग से बाहर आता है तो उसे हम महावारी कहते हैं। नॉर्मल महावारी 28 दिन का साइकिल होता है। जब वो 21 दिन से कम में या जल्दी आता है तो उसे हम पॉलीमेनोरिया कहते हैं, या वो अगर 35 दिन से ज़्यादा आता है तो हम उसे ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा होता है या गाठी गाठी जाते हैं तो हम उसे मेनोरेजिया भी कहते हैं। पीरियड्स में यूजली पीरियड पेन होता है, पेट में दर्द और तरह तरह की तकलीफ़ें होती है, कभी कभी किसी किसी को उल्टियाँ भी होती हैं। बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं इसमें कि पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, अलग से बैठना चाहिए, मटके के पानी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब हमको बंद करना है और इसको सबको निकाल के लड़कियों को स्कूल जाना और नॉर्मल चीज़ें करनी देनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यूजली पैड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि कॉटन लाइनिंग के होने चाहिए, ना कि सिंथेटिक लाइनिंग के। टैम्पोन्स यूजली इंडिया में कॉमनली नहीं यूज़ किया जाता, इसकी जगह पे कपड़ा यानी हम जो हेल्दी कपड़ा बोलते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल कप। जो पैड्स होते हैं उनको हम डस्टबिन या फिर इसमें प्रॉपरली फोल्ड करके ही डालें, कमोड में ना डिस्पोज ऑफ करें या फिर लैंडफिल ना बनाएं। मेंस्ट्रुअल कप्स वो चीज़ें हैं जो कि योनि मार्ग में ठीक से फिट हो जाते हैं और उसमें ब्लड जो है वो बराबर से कलेक्ट होते रहता है, और जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है 3 से 4 घंटे में तो कप निकाल के वॉश बेसिन में उसे डाल दिया जाता है और उसे धोकर वापस अंदर फिट कर दिया जाता है। जब महावारी पूरी हो जाती है 4 दिन तक तो उसे धोकर सुखाया जाता है और फिर से बैग में रख कर हम उसे अपने कपाट में स्टोर कर सकते हैं। यह है जिस तरह से मेंस्ट्रुअल कप इस पिक्चर में दिखाया है कि मेंस्ट्रुअल कप किस तरह से अंदर फिट होता है। तो आइए हम युवाओं को उनको एनकरेज करें कि वो अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को ठीक से संभाल पाए और एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी को हम ठीक से बढ़ावा दें, ताकि उनके दिमाग में सेक्सुअलिटी के बारे में सही धारणाएं आए और सेक्स एजुकेशन भी उनको ठीक तरह से मिले, ताकि वो अपना वैवाहिक जीवन आगे ठीक से निर्वाह कर सकें। तो हम सभी को हम आई विश देम हैप्पी एडोलेसेंस। थैंक यू सो मच। Thank you.